भारतीय रेलवे के द्वारा केंद्र सरकार के निवेदन के बाद अप्रैल 2020 में कोरोना संकट के दौरान 5,231 गैर वातानुकूलित ICF सवारी डिब्बों को अस्थायी रूप से COVID-19 हेतु आइसोलेशन इकाई के रूप में अरबों रुपए खर्च कर परिवर्तित किया गया था, जो वर्तमान में बिना उपयोग किए ही धूल खा रहे हैं। प्रावधान के अनुसार राज्य सरकारों के मांगने पर उक्त कोच उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा इसका प्रयोग न करते हुए निजी अस्पतालों पर मेहरबान है। इस बात का आरोप लगाते हुए नागरिक उपभोक्ता मंच के सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री को ईमेल कर सरकारों के द्वारा किए जा रहे व्यर्थ खर्चे पर रोक लगाने की मांग की है। हम आपको बता दें कि प्रत्येक रेलवे कोच को आइसोलेशन कोच में तब्दील करने में रेलवे के द्वारा 3 से 4 लाख रुपए खर्च किए गए, यानी कि लगभग 2 अरब रुपए। इसके बाद सामान्य कोचों में बदलने के लिए करीब 1 अरब रुपए खर्च होंगे। कोविड महामारी की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा रेलवे को निर्देश दिया था और रेलवे ने 5,000 से कुछ अधिक डब्बों को आइसोलेशन कोच में बदला था। सवारी डब्बों को प्रत्येक कोच को बदलने में 3 से 4 लाख रुपए खर्च किए गए थे। 70,000 से अधिक आदमियों की आइसोलेशन करने की वहाँ व्यवस्था की गई थी और यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य सरकार की मांग के अनुसार उनको वहाँ डब्बे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आज 5 माह व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों द्वारा उन डब्बों का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी जगह उन्होंने क्या किया, निजी हॉस्पिटल्स जितने होते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और प्रतिदिन हज़ारों रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से आइसोलेशन का खर्च दिया, अरबों रुपए का भुगतान किया गया है। एक ये बड़ा घोटाला हो सकता है राज्य सरकार और निजी हॉस्पिटल्स की मिलीभगत का। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर यह मांग करी है कि आप तत्काल इसकी जाँच कराएं, सरकारों ने राज्य सरकारों ने ऐसा क्यों किया। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो आवश्यकता पड़ने पर हम समस्त मामले को माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। आपका नाम है?